नमस्कार, मैं हूँ किरण यादव। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की। 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ गेंदबाज आर अश्विन के पास एक कमाल की उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने का सुनहरा मौका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में वे यह कारनामा कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड इस लिस्ट में अश्विन से आगे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं है। इस वजह से अश्विन के पास टॉप पर जाने का अवसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के नाम अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 70 विकेट है। कमिंस ने 14 टेस्ट में ये विकेट लिए हैं। उनका औसत लगभग 21 है, जबकि स्ट्राइक रेट लगभग 47 का। इस टूर्नामेंट में मैचों के दौरान 28 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम आता है। ब्रॉड ने 17 टेस्ट में 69 विकेट लिए हैं। उनकी औसत लगभग 20 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 43। उन्होंने सबसे बेहतर प्रदर्शन के तौर पर 31 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। अब बात आर अश्विन की। आर अश्विन अभी तीसरे पायदान पर है। उन्होंने 13 टेस्ट में 67 विकेट लिए हैं। उनका विकेट लेने का औसत लगभग 21 है और स्ट्राइक रेट लगभग 47। 145 रन देकर 7 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। ऐसे में 18 जून से जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होगा, तब आर अश्विन के निशाने पर टीम इंडिया की जीत के साथ ही पैट कमिंस को पीछे छोड़ना भी होगा।